केदारनाथ मंदिर बनवाया था या पांडवों ने बनाया था? पांडवों ने जनमेजय जी ने बनाया। अच्छा। इन्होंने जो है इसका जो है पुनर्निर्माण किया। अच्छा, पुनर्निर्माण था। दबा हुआ था 400 साल तक। 400 साल के बाद, 400 मतलब आज से 1500 साल पहले, 1500 साल से ये चलन में है, इससे पहले 400 साल लगा दो। अच्छा। तो लगभग ये 2000 के आसपास मतलब ये दब गया था। हाँ। आज से 2000 वर्ष पहले जो केदारनाथ मंदिर का अभी का स्वरूप है ना। हाँ। जब शुरुआत में केदारनाथ मंदिर बना था तब भी ऐसा ही था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बाद में। वो उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर अलग। हाँ, वो स्टोरी में कह रहे हैं। थैंक यू। अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी हमें जाकर केदारनाथ भगवान जी के दर्शन हुए। अभी मैं बताऊंगी आपको केदारनाथ मंदिर में 2013 की आपदा में क्या हुआ था और किस कारण इतनी भयंकर आपदा आई थी। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हो ये बड़े बड़े पहाड़, यहाँ से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है और ये है हमारे उत्तराखंड का एक सबसे प्रसिद्ध ग्लेशियर चौराबाड़ी ग्लेशियर, जिसके नीचे यानी कि एक साइड आपको दिख रहा होगा उधर से मलबा निकला हुआ, एक साइड आपको इधर से दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इसके जस्ट पीछे है हमारा चौराबाड़ी ताल, जिसे वर्तमान में गांधी सरोवर कहा जाता है। तो 2013 की आपदा का कारण यही था, यही ताल था जो जिसके फट जाने के कारण सारा मलबा ग्लेशियर टूट गया था। तो इसलिए 2013 की आपदा ने इतना भयंकर रूप ले लिया था। वैसे देखा जाए तो मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम, पर 2013 की आपदा का मुख्य कारण यही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रही सरस्वती नदी जो कि केदारनाथ मंदिर की बाईं ओर से बह रही है और दाईं ओर से बहती है यहाँ पर मंदाकिनी नदी। सो गाइस, अभी हम दर्शन करने के बाद जा रहे हैं भैरव देवता के मंदिर, जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी की में स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि भैरव देवता के मंदिर में आना जरूरी है। अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन करने आते हो तो भैरव देवता के मंदिर में दर्शन करने जरूर आइए। और गाइस देखो, इतना अंधेरा हो गया पर हम जा रहे हैं क्योंकि सुबह में उतना टाइम नहीं हो पाएगा और अभी हमारे पास खाली टाइम था तो हम अभी जा रहे हैं दोस्तों। तो चलो आपको भी कराते हैं केदारनाथ भगवान जी के, भैरव मंदिर जी के दर्शन। चलो गाइस, केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर है भैरव देवता का मंदिर। यहाँ पर 5 भाई पांडवों की शिव भगवान की पत्थर की मूर्ति बनी हुई है दोस्तों। तो आप देख सकते हो किस प्रकार पत्थर पर कारीगरी करके ये मूर्ति बनाई गई है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि साक्षात भगवान इन्हीं में होंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ भगवान जी के साथ साथ काल भैरव के मंदिर में भी शाम के 7 बजे यहाँ पर आरती होती है। आरती ले लीजिए। अरे
तो दोस्तों ये रही केदारनाथ की आरती का दृश्य। तो जब केदारनाथ की आरती हो रही थी तो हम थे काल भैरव मंदिर में, तो दोस्तों हमने वहीं पर आरती कर ली थी, इसलिए हम केदारनाथ की आरती नहीं देख पाए। जब आरती खत्म हो गई थी तब जाके हम मंदिर में पहुंचे, पर दोस्तों कोई बात नहीं, हमने दोनों में से एक जगह की आरती देखी। हमारे लिए वहाँ भी भोलेनाथ की आरती थी और यहाँ भी। तो दोस्तों मंदिर के पीछे हमें एक बाबा मिले जो कि अपनी धुनी के सामने थे। तो दोस्तों ये बाबा दिख रहे हैं, इन्होंने MBBS किया है ये ऐसा बता रहे थे, और इनके ज्ञान को देखकर भी यही लग रहा था कि इन्होंने सच में कुछ ना कुछ बड़ी अचीव किया है, पर इन्होंने ये रूप धारण क्यों किया है ये इसका जवाब इन्होंने हमें नहीं दिया।